सो वेलकम बडी विद अनदर वीडियो। सो गाइज, आज का हमारा वीडियो होने वाला है ट्यूटोरियल के ऊपर। कौन सा ट्यूटोरियल होगा? कॉर्कस्क्रू का। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कॉर्कस्क्रू बिगनिंग से लेके एंड तक। मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, स्किप नहीं करना, बिकॉज स्किप करोगे तो फिर लॉस होगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये था हमारा कॉर्कस्क्रू। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चलेंगे बेसिक की तरफ, बिकॉज अगर बेसिक ही हमारा अच्छा नहीं होगा, हमारा बेस अच्छा नहीं होगा, तो हमारी बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं हो सकती अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक करेंगे। मैं आपको बेसिक बताता हूँ बेसिक में क्या क्या आता है कॉर्कस्क्रू सीखने के लिए। तो चलो बेसिक की तरफ चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बेसिक में हमारा क्या आएगा? चीट गेनर। गेनर नहीं, चीट गेनर, बिकॉज गेनर में होता है हमारा फ्लिपिंग मोशन, बट चीट गेनर में हमारा क्या होता है? ट्विस्टिंग मोशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है? चीट गेनर करना है। अब चीट गेनर कैसे करना है मैं करके बताता हूँ। सेटअप ये एंड देन चीट गेनर। चलो चीट गेनर से पहले सेटअप भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बहुत लोगों को सेटअप में भी दिक्कत होती है। तो सेटअप के लिए हमें क्या करना है? जे स्टेप बनाना है। कितना? पूरा बिग बनाना है, ये नहीं आप छोटा सा जे सेटअप मार रहे हो, बिकॉज छोटा जे सेटअप मारोगे तो आपकी कॉर्क अच्छी, वही है, बेस अच्छा नहीं होगा तो बिल्डिंग अच्छी नहीं बन पाएगी। तो हमें क्या करना है? सेटअप को फुल स्ट्रेच आउट होकर मानना है। ये पैर यहाँ रखा फ्रंट में, एंड देन हमें क्या करना है? वापस से हमें पीछे आना है ये। ठीक है, उसके साथ हमारे आर्म्स का क्या काम होगा? फर्स्ट लेग आगे होगा, हमारे आर्म्स ये होंगे। जब हमारा सेकंड लेग जाएगा, प्लांट लेग आगे जाएगा, तो हमें ईगल बनाना है। क्या बनाना है? ईगल। जितना बड़ा ईगल होगा उतनी अच्छी कॉर्क, उतना अच्छा कॉर्क का टेक ऑफ होगा। ठीक है, सेटअप क्लियर हुआ। अब चीट गेनर, चीट गेनर देखो मैं करके बताता हूँ। सेटअप सेम रखना है ये। ठीक है, ये था हमारा चीट गेनर। ठीक है, चीट गेनर से क्या होता है? चीट गेनर में होता क्या है, हम चीटिंग करते हैं गेनर की। गेनर क्या होता है? ये होता है हमारा, ठीक है, ये होता है गेनर। तो हमें इसमें यहाँ चीटिंग करनी है गेनर की। हमें गेनर में क्या हुआ? हम फ्लिप हुए, बैक फ्लिप, प्रॉपर बैक फ्लिप, बट इसमें प्रॉपर बैक फ्लिप नहीं होती, जाते हैं हम यहाँ से हल्का सा चीट हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं। तो हमारा क्या होता है? चीट गेनर फिर कुछ ऐसा दिखता है, ये ऐसे। फिर उसमें धीरे धीरे मास्टरी करने के बाद चीट गेनर जैसा मैंने आपको करके दिखाया वैसा हमारा चीट गेनर बनता है। ठीक है, तो चीट गेनर हमारा क्लियर हो गया। एज सेकेंड हमारा क्या होता है? अरेबियन। अरेबियन सबको पता होगा, ऐसे मारते हैं, जिसको हम बनीटी भी बोलते हैं। फ्रंट, ओ हम बैक फ्लिप के पोजीशन में होते हैं, बट हम फ्रंट फ्लिप की पोजीशन में लैंड होते हैं। तो हमें वहाँ यही है, यहाँ पर हमें यही करना है, बट हमें क्या करना है? इसको चीट गेनर में ऐड करना है। ऐसे जे सेटअप लिया, एंड देन हम यहाँ से चीट गेनर मार रहे थे। अब हमें क्या करना है? जो चीट गेनर हम पैर को स्ट्रेच आउट कर रहे थे, हमें यहाँ पैर को स्क्वीज़ करना है। ठीक है, हमें अपने पैर को अपने पास लाना है, टक करना है। कैसे? मैं कर दिखाता हूँ। पहले हल्का सा चीट करूँगा, प्रॉपर अरेबियन नहीं करूँगा। ठीक है, ये था हमारा चीट। ठीक है, चीट गेनर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ठीक है, अब प्रॉपर अरेबियन के लिए हमें क्या करना होगा? हमारा ये स्विंग लेग उठेगा, स्विंग लेग उठा, स्विंग लेग उठने के बाद हमें क्या करना है? यहाँ से अरेबियन करना है, अरेबियन के लिए जाना है। अब वो मैं बताता हूँ आपको कैसे जमेगा। स्टार्टिंग में ऐसे करो, ऐसे करो, एंड देन ऐसे। ठीक है, अगर आप चीट अरेबियन कर लोगे, अगर आपने अगर ये चीज़ कर लिया, आपने ये चीज़ कर लिया, तो आप अरेबियन भी कर लोगे। अरेबियन भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, सो गाइस, अपना थर्ड क्या है? बेसिक क्या ड्रिल करना है कॉर्क के लिए? बी ट्विस्ट। बी ट्विस्ट और फुल, दोनों से आप कर सकते हो। हाँ, फुल से भी कर सकते हो, बहुत लोगों को डाउट होता है फुल से कैसे करेंगे, बट हाँ आप फुल से कर सकते हो, बी ट्विस्ट से भी कर सकते हो। बी ट्विस्ट कुछ ऐसी होगी आपकी, ये सेटअप बी ट्विस्ट। ठीक है, बी ट्विस्ट आप कर लोगे, बी ट्विस्ट आपको आ गया है, अरेबियन आ गया, चीट कॉर्स वो चीट अरेबियन, चीट गेनर आ गया है। ठीक है, और एक फुल भी आप कर सकते हो, ये फुल भी आप कर सकते हो, फुल से भी हो जाएगा कॉर्क। तो हमने बेसिक अपना पूरा ड्रिल कर लिया है। अगर आपको इन बेसिक में से कुछ नहीं आता, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पहले बेसिक ड्रिल करें, फिर आप कॉर्क के लिए जाए, बिकॉज डायरेक्ट कॉर्क के लिए जाओगे इंजरी होगी, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हम नहीं चाहते कि आपको कोई इंजरी हो, इंजरी से बचकर करना है हर चीज़ को। ठीक है, बेसिक ड्रिल करो,
ज़्यादा बेसिक जब ड्रिल हो जाए देन कॉर्क को स्टार्ट आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको कॉर्क का प्रोसेस बताता हूँ। बेसिक हमने कर लिया है, कॉर्क के प्रोसेस पे चलते हैं। गाइस नाउ वी आर रेडी टू डू कॉर्क स्क्रू। ठीक है, बिकॉज हमारा बेसिक हो चुका है, अब हम क्या करेंगे कॉर्क स्क्रू को करेंगे। ठीक है, कॉर्क स्क्रू को करने से पहले क्या करना है, आपका जे सेटअप हो चुका है, आपका चीट गेनर हो चुका है, आपका चीट अरेबियन हो चुका है, फुल हो चुका है, बी ट्विस्ट हो चुका है। अब आपको जिससे कंफर्टेबल लगे आप उससे अटेम्प्ट करो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, एक मेन टिप मैं आपको बताऊँगा। बहुत सी गलती क्या होता है, लोग क्या करते हैं जे सेटअप लिया, सबसे मेन बात जे स्टेप सेटअप ही वो गलत लेते हैं। कुछ लोग ऐसे जे सेटअप लेते हैं तो वो नहीं लेना है, बिकॉज वो क्या होता है वो एक फ्लिप वाला मोशन हो जाता है रन गेनर का, तो हमें वो नहीं लेना। हमें पूरा सी बनाना है, हमें पूरा ऐसे जे बनाना है एंड देन बिग बनाना है, छोटा नहीं, ऐसे हाथ पास पास करके जे नहीं बनाना, पूरा खोल कर बनाना है ये। ठीक है, इससे क्या होगा जितनी पावर हम जनरेट स्टार्टिंग में करेंगे उतनी पावर हमें एंड तक मिलेगी। ठीक है, जे सेटअप लिया एंड देन क्या करना है, प्लांट लैग और स्विंग लैग दोनों का यूज़ बराबर करना है। ये नहीं कि आप खाली प्लांट से घूम रहे हो और स्विंग नहीं कर रहे, इतना पे छोड़ दे रहे हो, नहीं करना। वो स्विंग उठेगा, स्विंग जितना आपका उठ रहा है उठाओ, खींचो उसको जितना खींच सकते हो, उसको फ्लैक्स करके रखो, जितना लैग को वैसे फ्लैक्स कर रखोगे आपका स्विंग लैग आपके कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, लैग को फ्लैक्स कर रखो एंड देन जब तक आपका प्लांट लैग ग्राउंड से हट नहीं जाता जब तक आपको ट्विस्ट नहीं करना। क्या नहीं करना, ट्विस्ट नहीं करना, बिकॉज यहाँ से फिर सारा हमारा मोमेंटम ख़त्म हो जाए। बिकॉज अब हमने बिग जे सेटअप बनाया ही काहे के लिए, अगर हमें यही चीज़ बराबर नहीं मिलेगी प्लांट और स्विंग लेग से पावर बराबर नहीं मिलेगी तो हमारी कॉर्क स्क्रू तो बेकार आएगी। ठीक है, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, जाना है बिग ईगल बनाना है, स्विंग को पूरा उठाना है और ट्राई करना है स्विंग को सीधा उठाने की। बिकॉज सीधा उठाओगे उसके बाद आप जब ट्विस्टिंग मोशन में जाओगे ना तो आपका वो लेग खुद ही अपना एक डायरेक्शन में आ जाएगा सही वाली में, बिकॉज आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी नहीं करोगे, वहाँ से भी हमारा सारा मोमेंटम ख़त्म हो जाता है। डायरेक्ट भी नहीं करना है, सीधा भी एकदम प्रॉपर नहीं करना है, हमें क्या करना है शोल्डर की तरफ करना है। कहाँ पर करना है, शोल्डर की तरफ। कैसे, एक बार देखो, ये स्विंग लेग हमारा जाना चाहिए शोल्डर की तरफ, बिकॉज हमारी चीट गेनर भी कैसे जाती है शोल्डर की तरफ। ठीक है, हमें ना तो यहाँ से कॉर्क घुमानी है, हमें ना तो यहाँ से कॉर्क घुमानी है, हमें कॉर्क घुमानी है यहाँ से ऑफ एक्सिस, उसको क्या कहते हैं ऑफ एक्सिस, ना तो एक्सिस पर घुमानी है ना एक्सिस से नीचे घुमानी है, हमें ऑफ एक्सिस पर घुमानी है कॉर्क शोल्डर पर। ठीक है, हमारी कॉर्क का एंगल कैसा होगा डायगनल, हमारी कॉर्क ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, तो इतना हमारा ये क्लियर हो गया है। ठीक है, और हमें एकदम एक्सिस से नीचे नहीं मानना है, एकदम एक्सिस पर नहीं मानना है, ऑफ एक्सिस मानना है थोड़ा सा। ठीक है, इतना माइंड में देखो, आगे चलते हैं। तो गाइस ये मैंने बता दिया कि ऑफ एक्सिस हमें अपनी कॉर्क को ऑफ एक्सिस पर रखना है, एक्सिस पर नहीं रखना, ये सब पिछले में क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको एक प्रोग्रेशन बताऊँगा कि मतलब हम कॉर्क की तरफ कैसे जा सकते हैं। हमारा बेसिक हो गया है, हमें पता चल गया है कि हमें कॉर्क कैसे करनी है, हमारी किस एक्सिस पर कॉर्क घूमनी चाहिए, हमें क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, वो सब क्लियर हो गया है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। बिकॉज जब तक आप अटैम्प्ट नहीं करोगे तो यार सीधी सी बात है आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे, मेन चीज़ होती है अटैम्प्ट। बिकॉज जब अटैम्प्ट करोगे फर्स्ट सीढ़ी चढ़ोगे देन। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अटैम्प्ट करना सबसे हार्ड चीज़ होता है। क्लीन आप कर लोगे कॉर्क को, ईजिली कर लोगे, बट अगर आप अटैम्प्ट नहीं करोगे तो क्लीन कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। अब अटैम्प्ट कैसे करना है, सेम थिंग, कैसे ट्राई करना है, चीट गेनर जाना है, बट क्या करना है टक करके चीट गेनर जाना है। कैसे, स्विंग करना है, प्लांट लैग उठ जाएगा एंड देन बॉडी को टक कर लेना है। ठीक है, देखो ये ठीक है, टक करेंगे तो हमारी क्या होगा बॉडी जल्दी घूमेगी। ठीक है, बिकॉज जो बॉडी जितनी टक होती है फ्लिप में भी जल्दी घूमती है, ट्विस्ट कर रहे हो तो ट्विस्ट में भी जल्दी घूमेगी। ठीक है, चीट अरेबियन तक हमें आता है, अब हम क्या करेंगे प्रॉपर चीट अरेबियन मारेंगे, उठेंगे प्लांट लैग उठने देंगे, स्विंग लैग को अपना वर्क अच्छे से करने देंगे एंड देन वहाँ से हमें क्या करना है अरेबियन के लिए टक कर लेना है, लाइक दिस। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ कितनी पावर जनरेट हुई है, बिकॉज मैंने जब तक ग्राउंड नहीं छोड़ा जब तक मैंने अपना अरेबियन के लिए ट्विस्ट स्टार्ट नहीं करा तो मैं अंदर ओवर रोटेट आ गया, अगर मैं टक नहीं पकड़ता तो मैं कॉर्क घूम जाता। ठीक है, अरेबियन आपको अच्छे से आ चुकी है, ठीक है इतनी आ रही है,
आपको कुछ नहीं करना, आपको कमिट करना है। क्या करना है? कमिट करना है कि हमें कॉर्क करना है, ठीक है? बिल्कुल डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट होकर कॉर्क करना है। बिकॉज अगर हल्के से भी होपलेस हो गए तो आप गिर जाओगे, ठीक है? बिल्कुल होपलेस नहीं होना, बिकॉज आप पूरा बेसिक कर चुके हो, ठीक है? पूरा बेसिक आपने ड्रिल कर लिया तो आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिक अगर आपके साथ है तो आप कोई भी चीज़ में डर नहीं सकते, ठीक है? स्टार्टिंग में लगता है थोड़ा डर, बट थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है? हमें क्या करना है, ये जाना है, ये जाना है। जैसे उठते हैं अरेबियन के लिए हम क्या करते हैं, हाथ हैंड्स को अंदर थ्रो करते हैं, क्या करते हैं, टक पकड़ते हैं। बट हमें टक नहीं पकड़ना, जाना है वही ट्राई करना है, टक के पास हाथ लाना है, बट हल्का सा इधर खींच लेना है, ठीक है? करके दिखाता हूँ गाइस, देखो मैं करूँगा अरेबियन, प्रॉपर अरेबियन, बट क्या करना है, मुझे टक पकड़ना नहीं है, और लेकिन बॉडी को टक भी रखना है। ये नहीं कि आप अगर टक नहीं पकड़ रहे तो आप टक छोड़ दोगे, नहीं, टक बिल्कुल नहीं, वो टक को बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना, टाइट रखना है। बस क्या करना है, हमें टक पकड़ना नहीं है, एंड देन ट्राई करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप कर सकते हो। जाना है ऐसे, गए टक पोजीशन में, जैसे आए हाथ को इधर खींच लेना है, ठीक है? देखो ये ऐसा, ठीक है? अगेन ट्राई करके दिखाता हूँ, और बहुत स्मूथ गिरोगे आप, गिरोगे बट स्मूथ गिरोगे, कोई चोट नहीं लगेगी। सेम चीज़ अगेन करनी है, ये ऐसे। गाइज अगर आपको प्रीवियस वाले में थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आप कुछ ऐसे भी अटेम्प्ट करते हो, कर सकते हो, बिग लेना। बट क्या करना, आपको यहीं से टर्न करना है बॉडी, लाइक बी ट्विस्ट, ठीक है? ये तो हमारा हो गया था फुल वाला, फुल टेक्निक फुल वाला हो गया था। अब आप यहाँ से बी ट्विस्ट वाला भी ट्राई कर सकते हो, इतना स्विंग उसमें ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, इतना उठाना है, और यहाँ से बी ट्विस्ट अटेम्प्ट करना है कुछ ऐसे, ठीक है? ऐसे कर सकते हो, अगेन देख लो, ये ऐसे, ये हो गया हमारा प्रोग्रेस, हम कॉर्क की तरफ आ गए हैं। अब हमें इसमें लैंडिंग करना है, लैंडिंग के लिए हमें क्या करना है, ठीक है? लैंडिंग की तरफ चलते हैं। लैंडिंग के लिए हमें क्या करना है, जैसे हम फुल में लैंड होते हैं, बी ट्विस्ट में लैंड होने, हमें वो लैंडिंग को माइंड सेट में बिठा के रखना है, ठीक है? एंड देन हमें उसी माइंड सेट से ट्राई करना है कि हम लैंड होंगे। और सबसे मेन चीज़ स्पॉटिंग जो होती है, घूमे 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 ग्राउंड स्पॉट कर लो, ठीक है? ग्राउंड स्पॉट कर लोगे तो आपकी लैंडिंग कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? ये गए, सेटअप लिया, कॉर्क का पूरा ट्विस्ट आया, ग्राउंड स्पॉट करना है, जहाँ भी लैंड हो रहे हो उससे पहले स्पॉट कर लो ग्राउंड, बिकॉज अगर आपकी स्पॉटिंग इधर रहेगी घूमते घूमते तो आप एक्स्ट्रा घूमोगे, ठीक है? ओवर रोटेट होगे, ठीक है? तो ग्राउंड स्पॉट करना है, एंड देन बिग ईगल स्विंग प्रॉपर, जब तक प्लांट लैग उठ नहीं जाता, एंड देन जब तक ट्विस्ट नहीं करना। ये सारी चीज़ों को वापस से हम अगेन वो करेंगे, समराइज, एंड देन एक क्लीन कॉर्क स्क्रू ट्राई करेंगे। याद रखना है ग्राउंड को स्पॉट करना है लैंडिंग टाइम पे, ठीक है? देखो ग्राउंड स्पॉट हुआ, अगेन बॉडी को टक भी करना है, ये ठीक है? स्पॉटिंग से क्या होता है, हमारी बॉडी रुक जाती है। स्पॉटिंग से क्या होता है, घूमते घूमते अगर हम कहीं भी, अब अगर हम ऐसे भी घूम रहे हैं, अगर हम वहाँ देख के रुक जाएंगे, वहाँ देख लेंगे और रुक जाएंगे, कोशिश करेंगे तो हम सीधी सी बात है रुक जाएंगे, ठीक है? तो वही हमें इसमें करना है, घूमना घूमना घूमना, ग्राउंड स्पॉट करना है, एंड देन बॉडी को लैंडिंग पे कमिट करना है कि हम लैंड कर देंगे, ठीक है? गाइस माइंड सेट का बहुत बड़ा खेल होता है, क्योंकि प्रैक्टिस से हर चीज़ नहीं होती, ठीक है? माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, प्रैक्टिस तो अपने जगह है, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ठीक है? माइंडसेट पर ज़्यादा फोकस करो, प्रैक्टिस भी करो। आई नो प्रैक्टिस आप करते हो, बट कुछ कुछ चीज़ें होती है जो नहीं हो पाती, मुझसे भी नहीं हो पाती, जब मैं कोई बड़ी बड़ी ट्रिक्स करता हूँ मैं भी लैंड नहीं कर पाता। तो हाँ माइंडसेट की ज़रूरत होती है, वहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ हमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि हमें उसको कैसे करना है, ठीक है? तो यहाँ मैंने आपको प्रॉपरली लैंडिंग से लेके टेक ऑफ से लेके आपको सब बता दिया है, एंड देन यहाँ पर हमारा कोर्स थ्रू कम्प्लीट होता है। अरे अरे गाइस एक चीज़ और यार, वीडियो में अगर तुम यहाँ तक आ गए तो यार लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, कमेंट का मैंने बता दिया, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज इन सब चीज़ों से आपको हमारे डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। बिकॉज जो भी हम चीज़ नहीं डालेंगे, नहीं सिखाएंगे, कुछ भी नया डालेंगे, चैलेंज डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, आप पे डेली अपडेट आता रहेगा। तो ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, अगेन बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अब कैसे भी करो, कॉर्क मार के करो, वेस्टर्न मार के करो, कैसे ही मार के करो, बट सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए, ठीक है?
तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।